दोस्तों, जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम ज़्यादातर लोग नहाते नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी वगैरह पड़ती है तो कभी कभी 2-3 दिन स्किप कर देते हैं और कभी कभी एक हफ्ते तक भी नहीं नहाते हैं। लेकिन आज मैं 5 ऐसे इंसानों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इस ग्रह के हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहले मिले आप इन भाई साहब से। इनका नाम है दोस्तों आमो हादिज, और ये दोस्तों ईरान से हैं, और इनकी जो उम्र है ये हो चुकी है 80 साल। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने पिछले 60 सालों से नहीं नहाया है। और दोस्तों पिछले 60 सालों से नहीं है, इसीलिए दोस्तों इनको दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाता है, जो कि बहुत दिनों से नहीं नहाया है। और इनकी फोटो भी आप देख सकते हो, कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है आदमी। तो अब दोस्तों मैं आपको मिलाना चाहूंगा राम सिंह चौहान जी से, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और दुनिया के दोस्तों सबसे बड़ी जिनकी मूंछ है ना, वो यही व्यक्ति है। इनकी जो मूंछ है ये 4.5 मीटर लंबी है, और ये क्या करते हैं, रोज दोस्तों 1 घंटा निकालते हैं इनकी जो मूंछ है उसको साफ करने में, उसको सेट करने में। अब मैं आपको मिलाना चाहूंगा नताशा देमकिना से, ये रशिया से बिलोंग करती है, और इनकी जो आंखें हैं ना भाई, ये रियल आंखें ही है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ अलग ही पावर है। ये सच में गाइस इस प्लेनेट की हो ही नहीं सकती। मतलब दोस्तों इनकी आंखों में ना एक्सरे विजन लगा हुआ है, मतलब भाई नेचुरली एक्सरे विजन है। ये लोगों के अंदर भी देख सकती हैं, लोगों के अंदर का जो भी मतलब जो भी कुछ अगर होता है तो वो भी पता लगा सकती हैं। डॉक्टर्स ने जब इनके ऊपर रिसर्च किया, इनके ऊपर चेक किया कि आखिर इनके आंखों में क्या है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनकी जो पावर्स है ना वो 100% जेन्यून है, और ये सच में एक्सरे विजन की तरह इनकी जो आंखें वो काम करती हैं। अब मैं दोस्तों आपको मिलाना चाहूंगा मैग्नेटो मैन से, यानी कि दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसके पूरे शरीर पे, कुछ हाथों पे, पाँव पे, हर जगह पे दोस्तों ये मैग्नेट की तरह काम करता है। चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो स्टील हो, हर चीज को दोस्तों ये अपने साथ चिपका लेते हैं। इनका जो नाम है वो है मोहिबाजिया बुलजी बेसिक, ऐसा कुछ इनका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ ही लेना गाइस, मेरे को तो आ नहीं रहा है। तो इनको दोस्तों मैग्नेटो मैन कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर ऊपर ना पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक चिपक जाता है, लोहा भी चिपक जाता है, स्टील भी चिपक जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो। ये तो दोस्तों सच में इस प्लेनेट के हो नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है ये जादू के प्लेनेट से आए होंगे। तो अब दोस्तों फाइनली मैं आपको मिलाना है आना हो एक ऐसे व्यक्ति से जो मेटल खा सकते हैं। आज तक दोस्तों इन्होंने अपने पूरी जिंदगी में 9 टन पूरा मेटल खाया, यानी कि लोहा मतलब प्लास्टिक तो नहीं, लोहा और स्टील ये सब इन्होंने खाया। और दोस्तों आज तक यहाँ पे इन्होंने एक पूरा का पूरा जो एरोप्लेन होता है, एक छोटे साइज वाला, उसको भी खाया है। मतलब एक एक पार्ट करके इन्होंने पूरे एरोप्लेन को साफ कर दिया है। और दोस्तों ये लोहा वगैरह खा लेते हैं, और डॉक्टर्स ने भी चेक किया आखिर इनके पेट में ऐसा क्या है कि लोहे को भी पिघला सकती है। दोस्तों जब चेक किया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल निकला, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये जो व्यक्ति है ना माइकल लोटिटो, इन्होंने बहुत सारा लोहा खाया है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को पसंद आया, और पसंद आया तो इसको लाइक जरूर से करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करो तो आप उनको सबसे पहले देख पाओ। सो गाइस आज के बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।